अभी तो हम लोगों ने बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जिसमें हम लोगों ने देखा कि फोटोन की वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस से एमिट होते हैं और यही है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और उनमें देखते हैं कि फोटॉन्स की वजह से कैसे सर्किट के अंदर करंट जो है वो गुजरता है एप्लीकेशंस ऑफ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटो सेल की और देखेंगे कि फोटो सेल क्या होता है अ फोटो सेल इज बेस्ड ऑन फोटोलैक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल फोटो सेल इज शोन इन द फिगर आपके सामने फिगर में एक फोटो सेल शो किया गया जिसमें एक एवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब हैल्ब के लाता है और कैथॉर्ड रॉड यूज किया गया, और यूज किया गया जो है जो कि अप्रोप्रिएट मेटल सर्फेस के हैं और जो कि बहुत ही थिन है जो मेटेरियल केथ के लिए यूज किया गया स्टूडेंट्स वो सूट करता है फ्रिक्वेंसी रेंज के साथ जो रेडिएशन इंसीडेंट की जाएगी इसके थॉट के ऊपर उसके साथ मैच करेगा ओवर विच द सेल इज ऑपरेटेड जिसके ऊपर सेल ऑपरेट करता है हम लोग फर्ज करते हैं स्टूडेंट्स कि सोडियम या पोटाशियम का कैथोड जो है वो यूज़ किया गया है और वो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फॉर इंफ्रारेड लाइट एंड सम अदर मेटल्स रिस्पॉन्स टू अल्ट्रावाट रेडिएशन सोडियम और पोटाशियम के थॉट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं एट द इंफ्रारेड लाइट्स के ऊपर और जो बाकी एलिमेंट्स यानी कि मेटल्स होते हैं वो अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन को रिस्पोंड करते हैं रिस्पेक्टिवली जब हम लोग देखेंगे कि एक फोटो एमिसिव सरफेस जो है वो एक्सपोज कराई जा रही है अप्रोप्रिएट लाइट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करना शुरू हो जाएंगे और करंट जो है वो फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी द करंट स्टॉप्स व लाइट बीम इज इंटरप्टेड हम लोग देखते हैं कि जो करंट है वो स्टॉप कर जाता है जैसे ही लाइट को इंटरप्ट किया जाता है या रोका जाता है और जो सेल है उसकी वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लीकेशन है सो so स्टूडेंट्स इस सेल में हम लोगों ने देखा है कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हुए एक बल्ब को जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है इसकी जो चंद एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वो क्या है कि हम लोग फोटो सेल्स को सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर काउंटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेटिक लॉक डोर सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग्स के अंदर एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी और साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज के अंदर भी हम लोग इस फोटो सेल को यूज़ किया जाता है ताकि हमारे लिए जो ये तमाम चीज़ें हैं वो रिलायबल बन सकें और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इतना फ़ायदेमंद है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर हम लोग ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं एक और एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास सोलर सेल की सोलर सेल क्या होता है ये एक टाइप है फोटो सेल की हुज एम इज टू हुटेन एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन ये सोलर रेडिएशन से क्या करता है एनर्जी को गेन करता है आइदर अगर वो अर्थ सर्फेस के ऊपर हो या फिर स्पेस के ऊपर हो कुछ रिसेंट मैथड्स जो हैं वो यूज किए गए हैं रीसेलर्स की तरफ से जो कि फोकस कर रहे हैं लार्जर एरिया ऑफ द सेल के ऊपर यानी कि एक ऐसा लार्जर एरिया बनाया गया है स्टूडेंट्स जो कि मुश्तमिल है किस पर सोलर सेल्स के ऊपर और तमाम जगहों के ऊपर जो है वो सोलर सेल्स की जो एक कंप्लीट शीट है वो बिछाई गई है एक बड़े सरफेस के ऊपर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशन हैं उनको अब्ज़ॉर्ब किया जा सके बाय मींस ऑफ सोलर सेल्स ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों और उन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है स्टूडेंट्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को गेन कर सके तो ये जो मेजर एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स फोटो सेल की और सोलर सेल्स की इन दोनों के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे फायदों को हासिल कर सकते हैं और हमारे पास जो मॉडर्न छीरी के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशल ऑफ रिलेटिविटी का थैंक यू